हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको मामा अर्थ की डे और नाइट क्रीम का रिव्यू दूंगी। मैं इसे बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ, तो चलिए इसका रिव्यू देखते हैं और इसी तरह से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका पैकेजिंग देखेंगे तो पैकेजिंग कुछ इस तरह से है। मैंने ये दोनों का कॉम्बो लिया था, इसलिए मुझे ये पड़ा है 1200 रुपये में। और अगर आप सिंगल लेंगे तो ईच की प्राइस 600 है, मतलब ऑलमोस्ट वही होता है। आप इसे सिंगल भी ले सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से इसका बॉक्स है और इसमें आपको ये दोनों क्रीम्स मिलेंगे। आप अगर इसके बैक साइड पे देखोगे तो बैक साइड पे इन्होंने इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, यूज़ कैसे करना है दिए हैं, ये सब इन डिटेल में दिया है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं हम डे क्रीम पे, डे क्रीम कैसी है। तो डे क्रीम में इंग्रेडिएंट्स अगर हम देखेंगे तो डे क्रीम में है पोमेग्रेनेट, मोरिंगा ऑयल है और ये SPF 20 के साथ आती है। ये पैराबेन और सिलिकॉन फ्री है और ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, ऐसा ये कहते हैं। लेकिन मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरी ऑयली स्किन है और जब जब मैंने इसे यूज़ किया है तब तब मुझे ब्रेकआउट्स आए हैं। मुझे मेरी स्किन बहुत ऑयली लगी है पहले से, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा यूज़ करना बंद कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ही इसका यू नो अच्छा रिजल्ट नहीं आया। मुझे बहुत ब्रेकआउट हुए थे इस डे क्रीम की वजह से। इसलिए अगर आपकी ऑयली स्किन हो, एक्ने प्रोन स्किन हो, तो आप डे क्रीम इसकी ट्राई मत कीजिएगा। बट अगर आपकी ड्राई टू नॉर्मल स्किन टाइप हो तो आप इस डे क्रीम को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ड्राई टू नॉर्मल स्किन टाइप के लिए परफेक्ट डे क्रीम है। अगर आप कुछ ऐसा ट्राई करना चाहते हो कि जो जिसमें नेचुरल और इसेंशियल ऑयल इंग्रेडिएंट्स हो, तो ये डे क्रीम उन लोगों के लिए परफेक्ट है। सिर्फ ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है स्किन पर और ये एक यू नो शाइनी लुक देती है झट से लगाने के बाद। इसलिए मैं ऑयली स्किन को ये रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी। नेक्स्ट आते हैं मामा अर्थ की ओवरनाइट रिपेयर नाइट क्रीम। तो इसमें है कोलाजन, सैफ्रॉन और डेसी फ्लावर। तो ये कहते हैं कि ये आपके स्किन को ब्राइटन और लाइटन करेगा। दोनों में ऐसा लिखा है, डे क्रीम में भी ऐसा लिखा है कि वो आपके स्किन को लाइटन और ब्राइटन कर देगा। लेकिन डे क्रीम की बात करूँ तो मुझे ऐसा कुछ भी यू नो डिफरेंस अपने स्किन पर नहीं दिखाई दिया कि ये हम कुछ स्किन पर ब्राइटनिंग या वाइटनिंग इफेक्ट दे, ऐसा कुछ नहीं करती डे क्रीम। वेयर एज अगर हम नाइट क्रीम की बात करें तो नाइट क्रीम हमारे स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करती है और थोड़ा सा स्किन को लाइटन कर देती है, स्पॉट को या स्किन टोन को हमारे ब्राइटन कर देती है नाइट क्रीम। क्योंकि नाइट क्रीम में सैफ्रन, डेसी फ्लावर है और ये भी पैराबेन और सिलिकॉन फ्री है। आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, तो पैकेजिंग बहुत ही कन्वीनियंट है और ये बहुत ही लाइट वेट है। ये हम किसी भी कहीं भी कैरी कर सकते हैं। आप इसका टेक्सचर देखें नाइट क्रीम का, तो नाइट क्रीम का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट है, वेर एज डे क्रीम का नहीं है। आप नाइट क्रीम का टेक्सचर देख सकते हैं, ये झट से एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन पर और कोई भी ऐसा ऑयली और ग्रीसीनेस बिहाइंड नहीं छोड़ती। तो मुझे नाइट क्रीम काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि नाइट क्रीम यूज़ करने के बाद मुझे कोई ब्रेकआउट्स नहीं हुए। मेरा स्किन ना कि ज़्यादा ऑयली हुआ ना ड्राई हुआ, मतलब बहुत अच्छी तरह से ये नाइट क्रीम मॉइस्चराइज भी करती है और थोड़े से स्किन को ब्राइटन अप भी कर देती है। इसलिए मुझे ज़्यादा इसकी नाइट क्रीम पसंद आई, डे क्रीम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। तो अगर आप कुछ ऐसा कॉम्बो ढूंढ रहे हो डे और नाइट क्रीम का और आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में इंटरेस्ट हो अपने फेस पर लगाने के लिए, तो आप ये दोनों क्रीम ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपके ऑयली स्किन हो तो आप ज़्यादातर इस नाइट क्रीम को चूज़ कीजिए, डे क्रीम उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।